ओड्डा जिला कलेक्टर ओम कसेरा की पहल पर शुरू किए गए कॉफी विद कलेक्टर का पार्ट 2 देखने को मिला, जब जिला कलेक्टर ओम कसेरा के आवास पर बहुत सारे कोचिंग स्टूडेंट आमंत्रित किए गए। कोटा के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के चयनित 45 कोचिंग स्टूडेंट्स को जिला कलेक्टर ओम कसेरा में अपने आवास पर कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम में इन्वाइट किया था। इस अवसर पर IPS अमृता दुहान और राजस्थान भ्रमण पर आए राजस्थान बीच के 11 IAS अधिकारियों से भी कोचिंग स्टूडेंट्स की मुलाकात करवाई गई। कार्यक्रम में कोचिंग स्टूडेंट्स ने डांसिंग, सिंगिंग और मिमिक्री सहित कई प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर सहित कई IAS अधिकारी उनके साथ थिरकते हुए नजर आए और उनका उत्साह बढ़ाया। जिला कलेक्टर ओम कसेरा ने कहा कि देश भर से लाखों बच्चे कोचिंग करने के लिए कोटा आते हैं, ऐसे में उनका प्रयास है कि घर से इतना दूर रहकर उन्हें कोटा में घर और परिवार जैसा ही लगे और बच्चे तनाव मुक्त वातावरण में रहकर अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। इसी उद्देश्य से कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान राजस्थान कैडर के फ्रेश बैच के 11 IAS अधिकारी भी जिला कलेक्टर ओम कसेरा के आवास पर पहुंचे थे। कोचिंग स्टूडेंट्स ने सभी 11 IAS अधिकारियों से भी मुलाकात की और उनके अनुभव साझा किए। इनमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो कोटा से ही कोचिंग करके IIT बने और उसके बाद IAS में चयनित हुए हैं। उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की दास्तान कोचिंग स्टूडेंट के साथ साझा की। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल सीधा है। हमारा मकसद है कि कोटा में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, बाहर के कोचिंग के बच्चे, उनको उनके घर जैसा एनवायरनमेंट मिले, उनको एक फैमिली का एहसास हो। उनकी फैमिली उनसे दूर रहती है, हम ही वहाँ पे, यहाँ पे उनकी फैमिली है। और मेरे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आज राजस्थान बैच के 11 IAS ऑफिसर आए हुए हैं, उनके साथ में ही हमने यहाँ पे एडिशनल SP पोस्टेड हैं अमृता दुहन जी और उनके ब्रदर, वो भी इसी बैच के कॉन्सिडेंटली IAS ऑफिसर हैं, तो वो दो लोग भी और साथ में आए हुए थे। तो एक साथ नॉर्मली मैं या SP साहब या और एक आधा हम दो तीन IAS या IPS ऑफिसर इनके साथ संवाद करते हैं। आज ये इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मिला कि एक साथ 15 IAS IPS लोग इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने प्रोग्राम को लाइव देखा ही है, इससे आपको लग गया होगा कि किस तरीके से बच्चे अपनी बातें बता रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों में एक अपनेपन की भावना है और बच्चे मोटिवेशन हो। इन बच्चों, ये बच्चे जाके अपना एक्सपीरियंस अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में शेयर करेंगे तो वहाँ बाकी सारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और हम इसको और, आपने देखा कि पिछली बार के मुकाबले इसका स्केल और बढ़ा है और हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में इसका स्केल इससे भी ज़्यादा बढ़ाओ।